मणिपुर की, जहां इम्फाल में 1 सितंबर को हुए ड्रोन से हमले के बाद अब तनाव जारी। कल शाम मणिपुर के कांगपो कपी जिले में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ। ये बताया जा रहा है कि हमले में किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हमले में के जवाब में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। अज्ञात हमलावरों ने छोटे हथियार से और विस्फोटकों से हमला किया। गनीमत रही कि इस हमले में कोई जवान जख्मी नहीं हुआ। सीआरपीएफ कैंप पर गोलीबारी हुई है। विस्फोट से हालांकि कोई नुकसान या किसी के घायल होने की जानकारी नहीं आई। हमारे सारे जवान सुरक्षित हैं। कल शाम 6 बजे की यह घटना बताई जा रही। बड़ी खबर ये मणिपुर से, जहां पर 1 सितंबर को हुए ड्रोन से हमले के बाद तनाव जारी है। कल शाम मणिपुर के एक इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ है और ये बताया जा रहा है कि हमले में किसी तरह का बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ। हमले के जवाब में सुरक्षा बलों ने भी कार्रवाई की। अज्ञात हमलावरों ने छोटे हथियार से और विस्फोटकों से हमला किया। इम्फाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर अब आपको उस गांव में लिए चलते हैं जहां हिंसा के आक्रामक दूर की शुरुआत 1 सितंबर को हुई। पश्चिमी इम्फाल जिले के कोंत्रुक गांव में ड्रोन के जरिए बमबारी हुई, जिससे आरोप है कि गांव से लगती हुई पहाड़ी जिले कांगपोरी के कुख्यात आतंकियों पर की है। आज तक पहला चैनल है जो इस पूरी घटना के बाद इस गांव में पहुंचा। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने जब इस बर्बाद हो चुके गांव का जायजा लिया तो तस्वीरें विचलित करने वाली दिखाई दी। मैं कोंत्रुक गांव में हूं। ये वो गांव जो दरअसल पश्चिम इम्फाल के जिले में पड़ता है, जहां 1 सितंबर को पहाड़ी इलाकों से ड्रोन आए, एक नहीं कई संख्या में। उन ड्रोन के जरिए यहां बम गिराए गए और आप देख रहे हैं सब कुछ जलकर राख हो गया। 2 लोगों की गांव में मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए और इसके चलते गांव के ज्यादातर लोग दूसरे इलाकों में सुरक्षित चले गए हैं। चिंता की बात दरअसल ये है, मैंने मणिपुर की तस्वीरें कवर की हैं, यहाँ की हिंसा लगातार कवर की हैं, ऐसी स्थिति पहले नहीं थी, लेकिन पिछले 1 साल में बदला ये है कि अब दरअसल हाथों में ड्रोन आ गए हैं। जो पॉम्पी गन होते थे उसकी जगह आरपीजी आ गई हैं। ड्रोन दरअसल आपको बता दूं, मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके ठीक पीछे पहाड़ी इलाका है और उसके आगे जो है जहाँ पर कुकी समाज के लोग रहते हैं, नीचे जो इलाका है वो मेतेइयों का है। अब इस जहां तक पहले जिन इलाकों में हिंसा नहीं हुई थी, अब वहां ड्रोन भेजे गए। ड्रोन कैसे नुकसान पहुंचाते, देखिए यहाँ पीछे घर है, जैसे ड्रोन यहाँ पर आए उसमें जो रॉकेट था या बॉम्ब था वो यहाँ पर गिरा और उसने पूरी छत को जो है विध्वंस कर दिया, छत को डैमेज कर दिया। कोशिश करो, ये देखिए गांव के लोग हैं, वो हमें ले जा रहे हैं दिखाने के लिए कि जैसे ड्रोन यहाँ पर आया उसने वो छत के रास्ते नीचे गिरा। घर में आप लेकर के चलते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर से इस रास्ते ड्रोन जो है नीचे आया। हालांकि बाद में पुलिस जांच के लिए बाकी चीजों को ले गई, लेकिन ड्रोन के साथ ये देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, ये बता रही है हिस्सा की कैसे जो है ड्रोन अपने साथ जो बॉम्ब था वो गिराया और 2 लोगों की मौत इस गांव में ही हुई, 9 लोग घायल हो गए और अब स्थिति ऐसी है। और चिंता की बात ये है कि 1 साल बाद जब हम उम्मीद करते कि स्थिति बेहतर हो, यहाँ पर ये क्या किस तरह के निशान है, ये छर्रों के निशान है। देखिए जब ड्रोन से बॉम्ब गिरे थे तो उसके स्प्रिंटर्स जो थे वो दीवारों पर छिटके थे, कच्ची दीवार है, इस वजह से इस पे जो निशान है ये अभी तक पता चल रहा है। ये देखिए इन दीवारों पर मैं जो देख पा रहा हूँ ये दरअसल स्प्रिंटर्स हैं जो ड्रोन के साथ जो रॉकेट मारे गए थे उसके निशान इन दीवारों पर है। आज तक मणिपुर के जमीन से ग्राउंड से लगातार आपको जमीनी हालात दिखा रहा है, मैं लगातार मणिपुर से आपको वो तस्वीरें दिखाता रहा हूँ हिंसा की, और अब जो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है ये दरअसल हालात की ओर इशारा करते हैं कि वो कितने चिंताजनक है। पूरी संपत्ति राख हो गई है, गांव के जो लोग थे ये भी घर पूरी तरह बर्बाद हो गया है, लोग यहां से छोड़ के जा चुके हैं और ये स्थिति सिर्फ एक इलाके की नहीं है, एक गांव की नहीं है। 2 लोगों की मौत हुई है, 9 लोग जख्मी हैं। आज तक की टीम ग्राउंड पर मौजूद है, पल पल की अपडेट और वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष की। कोंत्रुक गांव के सबसे आखिरी छोर में जब मैं जाता हूं तो यहां पर एक बंकर है, विलेज डिफेंस के जो लोग हैं उनका ये कैंप है, इसके ठीक आगे बंकर बने हुए हैं और इस कैंप में जो आर्म्ड है हथियारबंद जो डिफेंस फोर्स है यहाँ उनकी सारी सामग्री है, आराम करने का सामान है, बिजली के साधन है ताकि फोन चार्ज कर सकें, रेडियो सेट है जिससे पूरी लाइन पे दरअसल जो बंकर बने हुए हैं वहां एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं और कई सारे इस तरह के जो रेडियो सेट है इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ खुद के बचाव के लिए ये आप देख पा रहे हेलमेट है और इसके साथ ही मिलिट्री ग्रेड आप जो है बुलेट प्रूफ जैकेट देख पा रहे हैं।
इसमें प्लेट्स हैं, क्योंकि ये आपको नहीं पता कि फायरिंग कब वहां से होगी, ये बचाव में काम आते हैं। अब आपको कैंप के अंदर लिए चलते हैं। इस कैंप में आराम करने की जगह है ताकि रात वो यहाँ रह सकें। और जिस दिन बॉम्बिंग हुई थी, दरअसल उन्हें अंदाजा था कि जो मैतेई होंगे वो कहाँ पर होंगे, और उनका जो कैंप है, देखिए इस कैंप पर हमला हुआ और ड्रोन ने यहाँ पर बॉम्ब गिराया, कैंप को निशाना बनाया, यानी उन्हें पता था कि दरअसल उनका टारगेट क्या है। और इस युद्ध में, दरअसल इस कॉन्फ्लिक्ट में लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं। अंदर आप आते हैं तो आपको फिर इस तरह के बुलेट प्रूफ प्लेट्स, जैकेट, आपको हेलमेट दिखाई दे जाएंगी, और इसके साथ ही आपको कुछ हथियार भी दिख जाएंगे। ये कारतूस है और ये 12 बोर की जो बंदूक है, ऐसे बहुत सारे हथियार इन इलाकों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि इस समय, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सोफिस्टिकेटेड हथियारों का इस्तेमाल एक बड़ी चिंता का विषय है पूरे देश के लिए, सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं। और आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। मणिपुर के युवा हथियार लेकर बंकरों में रहने पर मजबूर हैं, एक साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। अब मणिपुर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसमें मणिपुर राइफल्स के जवानों से प्रदर्शनकारियों का टकराव बढ़ गया। इंफाल की ये तस्वीरें 6 सितंबर की हैं, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की थी, तभी जवानों ने हवाई फायरिंग कर हथियार छीनने की कोशिश को नाकाम किया और प्रदर्शनकारियों को भगाया। 6 सितंबर को ही घटना की तस्वीरें अब सामने आई। अच्छा,